नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग हेल्प चैनल में। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था SBI पर्सनल लोन के ऊपर। वहां पे मैंने ये बताया था कि अगर आपको SBI से पर्सनल लोन लेना है तो आपका सैलरी अकाउंट SBI में होना आवश्यक है। अब मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट SBI को छोड़कर किसी दूसरे बैंक में है, तो इस केस में आपको क्या SBI से पर्सनल लोन मिल सकता है? जरूर आपको इस केस में भी मिल सकता है, पर इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है और नॉर्मल पर्सनल लोन के टर्म्स एंड कंडीशन से थोड़ा अलग है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी दूसरे बैंक में SBI को छोड़ के और आप SBI से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन से जो अलग है, और सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी ओर बनाई गई SBI पर्सनल लोन का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिखाए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या है SBI से पर्सनल लोन लेने की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है कि आपका जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। यानी कि अगर आपका ग्रॉस सैलरी मंथली 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा होता है तो ही आप SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI को छोड़ के किसी दूसरे बैंक में है और आपको SBI से पर्सनल लोन लेना है तो आप इसके लिए मिनिमम 3 लाख से लेकर मैक्सिमम 20 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी है वो 2 तरीके से कैलकुलेट होता है और इन दोनों तरीके में से जो लोअर अमाउंट है वही सैंक्शन होता है। पहला तो है कि आपको लोन मिल सकता है मैक्सिमम 24 टाइम्स ऑफ योर NMI, और दूसरा कंडीशन है कि EMI NMI रेशियो मैक्सिमम 60% हो सकता है। तो अब मान लीजिए आपका नेट मंथली इनकम है 1 लाख, तो इस हिसाब से यानी कि 24 टाइम्स ऑफ NMI के हिसाब से आपका मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आता है 24 लाख। और दूसरे तरफ यानी कि EMI NMI रेशियो 60% पकड़ के अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम EMI आता है 60,000। अब मान लीजिए आप ऑलरेडी हाउसिंग लोन के लिए 30,000 का EMI पे कर रहे हैं तो एलिजिबल EMI होगा 60,000 माइनस 30,000 यानी कि 30,000। अगर हम लोग कैलकुलेट करें 6 साल के लिए यानी कि 72 इंस्टॉलमेंट के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.1 जो कि एज ऑन टुडे SBI में लोएस्ट है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आता है 16,10,000 के आसपास। तो यहाँ पे 24 लाख और यहाँ पे आ गया 16,10,000। तो इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट है यानी कि 16,10,000 आपके लिए सैंक्शन किया जाएगा। और बाकी सारे कंडीशंस जैसे कि प्रोसेसिंग फी, मार्जिन, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह ऑलमोस्ट सेम है नॉर्मल पर्सनल लोन के तरह ही। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिबिल स्कोर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपके लिए मिनिमम सिबिल स्कोर 600 एंड अबव होना चाहिए, और अगर आप कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कहीं किसी दूसरे IT सेक्टर में हो या फिर कोई बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका सिविल स्कोर मिनिमम 650 अनुभव होना चाहिए तो ही आपको लोन यहां से यानी कि SBI से मिल सकता है। और भी 2 चीज़ें हैं जो SBI की रेगुलर पर्सनल लोन स्कीम से अलग होते हैं। उनमें से पहला है रीपेमेंट मेथड। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आपका सैलरी अकाउंट भी SBI में रहता है, आपका लोन अकाउंट भी SBI में रहता है, तो जो आपका EMI इंस्ट्रक्शन है तो वो SBI के अंदर इंटरनली मैनेज होता है। अब आपका सैलरी अकाउंट है SBI को छोड़ के किसी दूसरे बैंक में और आपका लोन अकाउंट है SBI में, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका EMI आएगा किसी दूसरे बैंक से SBI से, तो इसमें आ जाता है ECS का फॉर्म, यानी कि आपको देना पड़ता है ECS मैंडेट जिसके थ्रू आपका EMI आपकी सैलरी अकाउंट यानी कि दूसरे बैंक से लोन अकाउंट यानी कि SBI में आएगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक अलग से ECS मैंडेट फॉर्म फिलअप करके बैंक को देना होता है। और दूसरा चीज़ है प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन, यानी कि लोन सैंक्शन होने से पहले बैंकर्स या फिर बैंक ऑथराइज्ड कोई आदमी आपकी ऑफिस और आपकी रेसिडेंट ये दोनों वेरिफिकेशन करेगा, और ये इंस्पेक्शन मैंडेटरी है इस केस में। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा अलग नॉर्मल SBI की पर्सनल लोन स्कीम से।
तो यहाँ पे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है वो SBI की रेगुलर पर्सनल लोन स्कीम की तरह ही है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि दो फोटो चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको देना होता है, उसके साथ KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स, उसके साथ ऑफिस ID जेरोक्स, और एक्स्ट्रा आपको देना होता है 6 महीने का सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको फिलअप करना होता है ECS मैंडेट फॉर्म, जो कि NACH के थ्रू आपकी EMI किसी दूसरे यानी कि सैलरी अकाउंट से SBI में आएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने से किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, तो ये वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ या फिर ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।